30% बॉडी फैट और ऊपर से गाइनो का प्रॉब्लम। उसके बाद सही तरीका अप्लाई किया, मसल्स बनाया और पहुंच गया 10% बॉडी फैट तक। तब जाकर मेरा गाइनो या चेस्ट फैट बहुत हद तक कम हो गया। लेकिन मेरा हिस्ट्री बताने के लिए मैंने ये वीडियो नहीं बनाया है, वो आप बताएंगे जब आप मेरे साथ सक्सेसफुली ट्रांसफॉर्मेशन कर लेंगे। मैं हमेशा से ये मानता हूँ कि अगर मैं सक्सेसफुली ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता हूँ तो आप में से हर कोई सक्सेसफुली ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है। ज़रूरत है सिर्फ दो चीज़ों की। पहला है भाई प्रॉपर गाइडेंस जो आपको इस सीरीज़ पे मिल जाएगा, और दूसरा है सेल्फ कॉन्फिडेंस जो आपको कोई दिला नहीं सकता। आपको खुद पे भरोसा करना पड़ेगा कि आपको ये रिजल्ट चाहिए और आप इसे पाकर रहेंगे। इसलिए इस वीडियो को खाली आपको देखना नहीं है, आपको हर स्टेप मेरे साथ फॉलो करना है। किसी भी फील्ड में सक्सेस पाने के लिए 3 सीक्रेट होते हैं। पहला होता है आइडिया, दूसरा होता है प्लानिंग और तीसरा होता है एक्शन। आइडिया तो हमने ऑलरेडी बना लिया है कि हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है और ये हम सब मिलके करेंगे। अब बारी है भाई दूसरे स्टेप की, जो कि है प्रॉपर प्लानिंग, क्योंकि बिना प्लानिंग के हम सक्सेस अचीव नहीं कर सकते। पहला काम हम करेंगे, सुबह उठ के बाथरूम जाकर फ्रेश होने के बाद हमें हमारा वेट चेक करना है। वेइंग मशीन आजकल हर किसी के घर में रहता है। अगर आपके पास वेइंग मशीन नहीं है तो आप इसे अमेजन पे खरीद सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा नहीं बिकता है। 800 से 1000 के अंदर आपको बहुत ही अच्छे क्वालिटी का डिजिटल वेइंग मशीन मिल जाएगा, और ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। ऐसा नहीं है कि आपको बार बार खरीदना पड़ेगा। और मैं पर्सनली जो वेइंग मशीन यूज़ करता हूँ उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे क्वालिटी का वेइंग मशीन है। अब हम करेंगे कैलोरी कैलकुलेशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। यहाँ पर आप में से बहुत से भाइयों को बोरिंग लग सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि नेचुरली ज़बरदस्त रिजल्ट पाने के लिए ये पार्ट को समझना और ये पार्ट को अच्छी तरह से फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो आप ऐसे ही YouTube पे ढूंढते रहेंगे कि मुझे बेली फैट कैसे कम करना है, मेरा चेस्ट फैट मुझे कैसे कम करना है। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आपकी मर्जी है। आप इस पार्ट को अच्छी तरह से समझ कर मेरे साथ सक्सेसफुली ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं या फिर इस पार्ट को स्किप करके जाना चाहते हैं। यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे TDEE, मतलब टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, जिसके लिए पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा हमारा BMR, मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप अभी उसे ओपन कर लीजिए ताकि हम एक साथ हमारा BMR कैलकुलेट कर पाएं। आपको इसमें आपका हाइट, वेट, एज एंड जेंडर भरना है। मेरा वेट मॉर्निंग में मैंने जो चेक किया था 72 kg आया था, उसे हमको LB में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये कैलकुलेटर LB यूज़ करता है। ठीक है, तो ये कन्वर्ट करने के बाद अब हम कैलकुलेटर पर क्लिक करेंगे तो हमें हमारा BMR मिल जाएगा, जिससे कि मेरा यहाँ पर है भाई 1622 कैलोरीज। अब हमें इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है हमारे एक्टिविटी लेवल के साथ। यहाँ पर हम मॉडरेट एक्सरसाइज करने वाले हैं, जो कि है भाई फुल बॉडी वर्कआउट, हफ्ते में 3 दिन और 2 दिन हम करेंगे कार्डियो। उसके हिसाब से हम BMR को मल्टीप्लाई करेंगे 1.55 से। तो यहाँ पर मेरा TDEE आया है भाई 1622 × 1.55, जो कि है भाई 2514। ये मेरा मेंटेनेंस कैलोरी है। वैसे ही अभी आपको आपका मेंटेनेंस कैलोरी पता चल ही गया होगा। हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा कैलोरी घटाने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। हमें यहाँ पर करना क्या है ना, हमारा जितना भी TDEE निकल के आया है उससे हमें सिर्फ 10% कैलोरी ही कम लेना है। मेरा यहाँ पर TDEE आया है भाई 2514 कैलोरीज, तो मैं स्टार्ट करूँगा मेरा डाइट 2514 − 251, मतलब 2263 कैलोरी से मैं डाइट स्टार्ट करूँगा। वैसे ही आपका TDEE जितना आया है उससे आपको 10% कैलोरी कम करना है। कैलोरीज तो अभी हमने कैलकुलेट कर लिया है, लेकिन खाली नेगेटिव कैलोरी बैलेंस मेंटेन कर लेने से ही हमारा सक्सेसफुली ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो जाएगा। उसके साथ साथ हमें और कुछ चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हम सफिशेंट अमाउंट पे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, मतलब प्रोटीन, कार्बन, फैट आपको कितना लेना चाहिए, और उसके साथ साथ आप सफिशेंट अमाउंट ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि भाई विटामिन, मिनरल एंड फाइबर्स आपके बॉडी को प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। तो प्रोटीन आपको कितना लेना चाहिए अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 2 ग्राम पर kg बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन खाएं।
यहाँ पर मेरा वेट 72 केजी है, इसलिए मैं यहाँ पे प्रोटीन लूंगा 144 ग्राम ऑफ प्रोटीन। फैट हम लेने वाले हैं 0.5 से लेकर 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से। मैं यहाँ पर प्रिफर करता हूँ 1 ग्राम फैट पर केजी बॉडी वेट, इसलिए मैं यहाँ पर लूंगा 72 ग्राम फैट। फैट एंड प्रोटीन से हमें यहाँ पर मिल जाते हैं 1224 कैलोरी। मेरा जो टारगेटेड कैलोरी था वो था भाई 2263, अब उसमें से बचता है भाई 1039 कैलोरी, जो कि भाई हमें लेना है कार्बोहाइड्रेट से। मैं यहाँ पर लूंगा 260 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि एक कार्बोहाइड्रेट में होता है 4 कैलोरीज। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि भाई हम हफ्ते में 3 दिन फुल बॉडी वर्कआउट करेंगे, और ये वर्कआउट स्प्लिट है वो मैं फॉलो करूंगा 3 हफ्ते तक। अगर आप एक इंटरमीडिएट हैं तो आप भी एग्जैक्टली वही करेंगे, 3 हफ्ते तक फुल बॉडी वर्कआउट स्प्लिट आप फॉलो करेंगे। उसके बाद हम वर्कआउट स्प्लिट को चेंज करेंगे पुश पुल एंड लेग में। लेकिन अगर आप एक बिगिनर हो तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगा कि आप फुल बॉडी वर्कआउट को और थोड़े दिन कंटिन्यू करें, मतलब 6 हफ्ते तक आप कंटिन्यू करें, उसके बाद आप पुश पुल लेग वर्कआउट को स्विच कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिटेल में बात करेंगे डाइट के बारे में कि भाई कौन कौन से फूड आपको ऐड करना है, कौन से फूड आपको अवॉइड करना है, एक दिन में आपको कितना मील खाना चाहिए और हर मील का रेसिपीज क्या होना चाहिए। लेकिन ये सारा डिटेल आपको नेक्स्ट वीडियो पे मिलेगा। मैं इतना मेहनत करके सारा डिटेल इन्फॉर्मेशन आप भाइयों के साथ शेयर कर रहा हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि आपको पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा। इसलिए मेरा इतना तो जानने का हक बनता है भाई कि आप लोग इस ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज में इंटरेस्टेड हो या नहीं हो। इसलिए इस वीडियो पे आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लव एंड सपोर्ट दिखाना है, वीडियो को लाइक करके, और कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना है कि भाई अभी आपका वेट कितना है और आप रेडी हो कि नहीं हो मेरे साथ ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए। और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, नहीं तो भाई आप मेरा जो नेक्स्ट एपिसोड आने वाला है ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज का वो आप मिस कर दोगे। अगर आप इस चैनल पे नए हो और आपको लगता है मैं आपको कुछ भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दे पा रहा हूँ, देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड पे।